गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ठीक है। तो मैं रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, इलेवन सेकंड। हम लोग का जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा था डिजीज के अंदर पढ़ रहा था, ठीक है। डिजीज में हम लोगों ने लास्ट टाइम में जो भी रिलेटेड वैक्सीन के बाद हम लोगों ने देखा था इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर के बारे में कि कैसे कैसे है। तो कुछ तो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर में हम लोग देखे कि जो हमारा डिसऑर्डर था वो ऑटो इम्यून था, कुछ इम्यूनो डिफिशियंसी था जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सेवरल कंबाइंड इम्यूनो के बारे में, और एक एलर्जीज था। लेकिन इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी होते हैं। वो आप अपने बायो के चैप्टर 5 में पढ़ोगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और जेनेटिक डिसऑर्डर क्लास 12। अगर नीट एस्पिरेंट के अकॉर्डिंग क्लास होता तो मैं वहाँ यहाँ पे आपको पढ़ा देता, बट जब तक आपको जेनेटिक्स और क्रोमोसोम के बारे में नहीं पता उस डिसऑर्डर को बताने से कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए आप वहाँ पे देखेंगे। और अगर लास्ट में लगा फिर एक एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें ऐड कर दिया जाएगा। आज जो हम लोग को देखना है, आपको देखना है लिम्फोइड ऑर्गन। क्या देखना है हम लोग को? लिम्फोइड ऑर्गन। With the antigen
then proliferated to become effector cell. और क्या proliferate का नाम होता है? Effector cell के पास पहुंचता है, ठीक है? अब जैसे ही पहुंचा effector cell के पास, तो कैसे काम करता है effector cell के पास? वो हम लोग देखते हैं, ठीक है? इसके function को, ठीक है? अब मान लेते हैं, for example, आपके पास है ये bone marrow. लिम्फोसाइट के पास जो लिम्फोसाइट है वो मूव करते हैं हायर
required here antigen specific receptor, ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्राइमरी के लिए ध्यान रखना है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो बोन मैरो में साइट ऑफ मैचुरेशन ऑफ बी सेल है और थाइमस में साइट ऑफ मैचुरेशन ऑफ टी सेल है। लेकिन जब हम लोग सेकेंडरी की बात करेंगे तो सेकेंडरी में हम लोग याद रखेंगे साइट वेयर मैचुरेशन ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। मतलब इसमें आप लोग का क्या क्या था, स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर का फॉर्मेशन और मैचुरेशन, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिस्पॉन्स लिया स्पेसिफिक एंटीजन का। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है उसमें लिम्फ नोड स्प्लीन म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन लाइक टॉन्सिल्स पेयर ऑफ पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, इतने सारे लिम्फोइड ऑर्गन सेकेंडरी में आते हैं, ठीक है। अब वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन में आपसे नाम पूछेगा, एक बोन मैरो है, दूसरा आप लोग का थाइमस है। तो बोन मैरो की बात करते हैं तो बोन मैरो इज मेनली लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस, ठीक है। दूसरा है थाइमस, थाइमस इज लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, इट इज क्विट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड बट कीप ऑन रिड्यूसिंग इट्स साइज एज बाय द टाइम प्यूबर्टी इज अटेंड इट गेट रिड्यूस्ड वेरी स्मॉल इन साइज, इसका साइज बहुत ही धीरे धीरे टाइम के हिसाब से छोटा हो जाता है, ठीक है। अब जो बोन मैरो की मेन पॉइंट है, बोन मैरो एंड थाइमस, बोन मैरो एंड थाइमस बोथ प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्युरेशन ऑफ बी एंड टी सेल। बी एंड टी सेल को बोन मैरो एंड थाइमस माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है। स्प्लीन की बात करते हैं, ये लार्ज बीन शेप्ड का होता है, स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन बीनीथ द स्टोमेक, इट इज मेनली कंटेन लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट, इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग द ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट, इंपॉर्टेंट है एरिथ्रोसाइट का लार्ज रिजर्वायर ऑन स्प्लीन। लिम्फ नोड क्या है, लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम के अलग अलग पॉइंट में है, तो मैक्सिमम जो लिम्फ नोड मिलेंगे वो हमारे शोल्डर और थाई रीजन में, ठीक है। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू ये भी हमारा लिम्फोइड ऑर्गन का ही टाइप है, ठीक है। माल्ट इज द लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक लाइन रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव एंड न्यूरोजेनाइटर, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक डाइजेस्टिव ट्रैक और न्यूरोजेनाइटर ट्रैक में मिलते हैं मार्ट, जिसको बोलते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन। इट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का 50% कंस्टिट्यूशन जो क्या है मार्ट का ही होता है, ठीक है। अब हम लोगों के पास इस पॉइंट के बाद देखना है एड्स एंड कैंसर के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो एड्स और कैंसर में है, एड्स हम लोग का जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे कि हम लोग का फर्स्ट है एड्स, हम बताया था आपको सारे के बाद एड्स और कैंसर का डिटेल हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, स्मोकिंग एल्कोहलिज्म और ड्रग्स के बारे में। Adolescence and drugs, ठीक है, adolescence
the period which extended from puberty to complete sexual maturity. आपको बताया हुआ है chapter 1 में पढ़ाया गया, chapter 3 में पढ़ाया गया, adult sex का, ठीक है? जब male और female यानी कि boys और girls जो होते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं? Sex hormone और gametes secrete करने के लिए happen होते हैं जिसे उसी को adult sex कहते हैं, puberty. Girls के लिए जो है 10 to 18 year का puberty कुछ जगह पे 10 to 13 split लेंगे और boys के लिए जो है 12 to 19 यानी 12 to 14 split जाता है. कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होता है बॉडी में, ठीक है? जैसे एक्सेलरेट द फिजिकल ग्रोथ एंड टू स्टार्ट डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जैसे एडोलेसेंस में जाते हैं तो एक तो हाइट में एक्सेलरेशन होता है, फिजिकल ग्रोथ में एक्सेलरेशन होता है, दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चेंजेस होता है, ठीक है? लेकिन बहुत सारे चेंजेस इसके अलावा और भी है जो आते हैं. हाइट का चेंज होना और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का चेंज होना तो ठीक है, लेकिन साथ में बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलेसेंस, ठीक है? एडोलेसेंट जो होते हैं, जो मतलब टीनएजर्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मली बोल सकते हैं 13 to 19, या आप बोल सकते हैं नॉर्मली कि जो अपने एडोलेसेंस के एज में है उनमें सबसे बड़ा चेंज आता है बिहेवियरल चेंजेस, ठीक है? उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं. क्या आता है? एडोलेसेंस जो है वो फ्रीक्वेंट शिफ्ट ऑफ मूड, मतलब adolescents experience frequent shift of moods. उनके मूड पे frequent shiftness होता है. Emotional turbulence due to increased production of hormones. Hormones के increasing के कारण इनके अंदर जो होते हैं वो emotional changes आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? अब क्या है कि इसके साथ साथ भी हम लोग देखते हैं कि adolescents undergoes transformation from childhood to adulthood. They undergo emotional adjustment like self-identity, self-esteem and self-respect. They may often show contrasting behavior. मतलब कि बहुत सारा चेंज आता है. ये क्या करने लगते हैं? सेल्फ या अपनी खुद की पहचान बनाने का है, खुद अपने आप को एस्टिमेट खुद से करते हैं, ठीक है? उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट की उम्मीद होने लगती है. बहुत सारा बिहेवियर चेंजेस आता है. जैसे आप खुद देखते हो कि बचपन में आपको अगर कोई मार दिया आपको कोई दिक्कत नहीं था, फिर 5 मिनट बाद ठीक हो जाते हो, ठीक के साथ खेलने लगते हो. लेकिन अगर आपके बड़े होने पर आपके एज ऑफ प्यूबर्टी में आने पर एडोलेसेंट आने पर अगर आपको मार दिया जाता है तो बहुत टाइम तक आप मतलब आपको बुरा लगने लगता है. आपको पता है मे बी अगर आपके फ्रेंड ने आपको बस एक तमाचा जड़ दिया तो आप उससे बातचीत छोड़ देते हो, लेकिन बचपन में ऐसा कुछ नहीं होता है. ये सारे चेंजेज आते हैं, बिहेवियरल चेंजेज होते हैं. फिर इसमें क्या देखें हम लोग कि कभी कभी क्या होता है, दे ऑफ्टन फेस स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली फॉर सोशल एडजस्टमेंट. कभी कभी सोशल एडजस्टमेंट होने में परेशानी होती है, फेस पे स्ट्रेस आता है, रिलेशनशिप विद सिबलिंग, ठीक है, पीयर ग्रुप इन स्कूल एंड विद द फैमिली एंड सोसाइटी, अलग अलग ग्रुपिंग होने लगता है सभी जगह पे. ये था बिहेवियरल चेंज. फिर आता है एडिक्शन टू ड्रग्स, एल्कोहल और टोबैको. मतलब कि जब एडोलेसेंट जो होते हैं वो एक ऐसा एज होता है जिसमें कहावत है हिंदी में संगत से गुण बोध है, संगत से गुण जाप, ठीक है? मतलब कि संगत करने पे अच्छे संगत से अच्छा कुछ आप सीखते हो, गलत संगत से गलत सीखते हो. तो एडोलेसेंट एज होता है आप जो देखते हो, जो आपको समझ आता है वो सब आपको अच्छा लगने लगता है और हर बुरा चीज ही आपको अच्छा लगेगा. ऐसा देखा गया है बहुत मैक्सिमम केसेस में होंगे कि एडोलेसेंट जो है गलत चीजों से दूर भागते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल अभी का सबसे अच्छा पॉइंट आप देख सकते हैं एडोलेसेंट एज का कि आप जब बहुत बच्चे थे तो आपको फोन और व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा में सबसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन जैसे आप एज ऑफ प्यूबर्टी में आते हैं और आप व्हाट्सएप इंस्टा फेसबुक चलाने लगते हैं, अपना जो भी प्रोफाइल पिक वगैरह डालने लगते हैं, तो आपके अंदर एक डिफरेंट थिंग आने लगता है, आप एडिक्टेड होते चले जाते हो, ठीक है? तो यहाँ था मोबाइल एग्जाम्पल के लिए. सेम वही केस होता है कि जब लोग किसी को ड्रिंक करते देखते हैं, किसी को ड्रग्स लेते देखते हैं, वो चीज उनको उस समय प्रायरली अच्छा लगने लगता है और उस चीज का एडिक्शन आने लगता है. बोल सकते हैं ड्यू टू पीयर प्रेशर, क्यूरोसिटी, एडवर्टाइजमेंट, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंसी,
False belief on the enhanced physical, mental and intellectual performance. Adolescents may get addicted to drug, alcohol or tobacco. मतलब जब आपका जो सोच है उससे हट के कोई काम होने लगा फिर भी आप टबैको और ड्रग्स का अल्कोहल का यूज करने लगते हो, ठीक है। सोशल एंड मोरल इम्प्लीकेशन, एक चीज जो होता है सोशल एंड मोरल इम्प्लीकेशन क्या है। एडोलेसेंस पीरियड में जब आप मूव करते हो तो फैमिली जो है परफेक्टली बिलोंग टू डिफाइन हिज और हर पोजिशन इन द सोसाइटी। मतलब आप अपने पोजिशन को अपने फैमिली के पोजिशन को सोसाइटी में बताते हो और ये प्रायोरिटी जो है इसी में फिर से साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस आता है और हेल्दी एडोलेसेंस जो होते हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी एडल्टहुड। हेल्दी एडोलेसेंस जो होगा वही आपका हेल्दी एडल्टहुड बनाएगा। अगर आप एडोलेसेंट एज में आपका बिहेवियर खराब हो गया, आपका सोशल इम्प्लीकेशन खराब हो गया और आप एडिक्टेड हो गए किसी भी ड्रग्स के अल्कोहल के तो आपका एडल्टहुड भी क्या हो जाता है डिस्टर्ब, ठीक है। तो इसी में हम लोग देखेंगे ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज का मतलब होता है ड्राई हाउस करने का, मतलब कि ड्रग जो होता है वो ड्राउ से लिया गया है जिसका मतलब होता है ड्राई हाउस। और इसको डिफाइन करते हैं ड्रग्स कैन बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस यूज्ड इन द कंपोजिशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ड्रग्स इज द क्या बोलेंगे हम लोग, ड्रग्स कैन बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस यूज्ड इन कंपोजिशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के कंपोजिशन में उसका यूज करते हैं। अब है कि मेडिकल टर्म में ड्रग को डिफाइन किया गया कि वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि बॉडी के ऊपर या बॉडी के फंक्शन के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं कि ड्रग में मॉडिफाई वन और मोर द बॉडी फिजिकल एंड मेंटल फंक्शन। मतलब ड्रग जो है वो फिजिकल और मेंटल फंक्शन को मॉडिफाइड करता है, बॉडी के फिजिकल और मेंटल फंक्शन को मॉडिफाइड करता है। कौन? ड्रग्स मॉडिफाइड। अब है यूज ऑफ ड्रग्स क्या है। ड्रग्स जो है नंबर ऑफ वेज में यूज किया जाता है, अलग अलग तरीके से ड्रग्स का यूज करते हैं। ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड एज मेडिसिन टू प्रिवेंट और क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज। ड्रग्स का यूज हम अपने डिजीज को बीमारी को ठीक करने के लिए करते हैं, यानी कि फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि ड्रग्स जो होता है वो हमें बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी प्रोवाइड करता है। बोल सकते हैं कि ड्रग्स में यूज टू प्रमोट बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। तीसरा है और नंबर ऑफ ड्रग्स यूज टू, अगर हम नंबर ऑफ ड्रग्स का यूज करते हैं, यूज टू एलिवेट एनसेक्सटीन रिड्यूस पेन और इनसोमिना, ठीक है। इन इनोस इसको बोलते हैं हम लोग इंसोमिना, ठीक है। इंसोमिना मतलब वही हुआ हम लोग इंसोमिना का मतलब होता है रिड्यूस पेन, दर्द को कम करते हैं। ड्रग्स को हम लोग अल्टर द मूड, मूड को भी चेंज करने के लिए यूज करते हैं। सम ड्रग्स आर टर्म एज मूड एल्टरिंग ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होते हैं मूड एल्टरिंग ड्रग्स होते हैं। तो इन सब का अगर स्मॉल क्वांटिटी में यूज हो रहा है तो ये एज अ मेडिसिन, लेकिन अगर इसका यूज लार्ज क्वांटिटी में करने लगे और बिना इसके रहना मुश्किल हो जाए इसको हम लोग बोलते हैं ड्रग्स एडिक्शन। क्या बोलते हैं? ड्रग्स एडिक्शन, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि सम ड्रग लाइक मूड एल्टरिंग ड्रग हैव अ पर्टिकुलर रिस्क ऑफ पेशेंट बिकमिंग टोटली डिपेंड ऑन द ड्रग कॉल्ड ड्रग डिपेंडेंस। अगर टोटली वो मूड को एंटर करने के लिए ड्रग पे डिपेंडेंट हो गए उसको बेटा हम लोग ड्रग डिपेंडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो दे आर हैविंग फॉर्मिंग ड्रग्स एंड ऑल्सो कॉल्ड साइकोट्रोपिक ड्रग। इसलिए इस टाइप के ड्रग को हम लोग मूड डिपेंडेंस ड्रग या ड्रग डिपेंडेंसी बोलते हैं। इस टाइप के ड्रग को साइकोट्रोपिक ड्रग बोलते हैं। PSYCHOTROPIC साइकोट्रोपिक ड्रग, ठीक है। तो इसमें हम लोग ड्रग्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ इसमें ड्रग्स के हैबिट के बारे में पढ़ेंगे। साइकोट्रोपिक ड्रग की अगर बात करते हैं तो साइकोट्रोपिक ड्रग जो होता है वो एक्ट करता है हमारे ब्रेन के ऊपर और अफेक्ट इट्स नॉर्मल फंक्शन और उसके नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट पहुंचाता है। ये स्लो डाउन कर देता है हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन को, ठीक है। साइकोट्रोपिक ड्रग जो होता है ये बिहेवियर कॉन्शियसनेस एंड पावर ऑफ परसेप्शंस को भी चेंज कर देता है हमारे, ठीक है। यानी कि दे
alter the mood of person, hence are called mood altering drug. मतलब जो भी आप सोच रहे हो उसको बदल देगा। और फिर ये क्या करते हैं कि विजुअल इफेक्ट के ऊपर भी ये अट्रैक्शन करता है, दे आर विजुअल इफेक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ पर्सन, ठीक है। दे इंपेयर द पर्सन जजमेंट, पर्सन ये क्या करता है, पर्सन के जजमेंट को भी इंपेयर करने लगता है, ठीक है। और ये क्या करता है, दे मेक अ पर्सन इंक्रीजिंगली डिपेंड ऑन देम, और जितना ज्यादा इसका यूज करते जाते हैं पर्सन वो मेनली इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और लीड टू बोथ फिजिकल एंड मेंटल एडिक्शन, यानी कि वो काम करने के लिए उसका जरूरत पड़ता है और दिमागी रूप से अच्छे रहने के लिए भी क्या करता है, साइको फिजिक साइकोट्रॉपिक ड्रग का यूज करना पड़ता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ड्रग, ड्रग की अगर बात करते हैं टाइप्स में आते हैं, तो टाइप्स ऑफ ड्रग जो है वो नॉर्मली हम लोग को तीन टाइप्स का पड़ता है, ठीक है। टाइप्स नेचुरल है, ठीक है। सेमी सिंथेटिक की अगर बात करते हैं तो हेरोइन,
opium is extracted from the juice of white poppy capsule. Papaver somniferum. Papaver somniferum जो white capsule होते हैं, उससे हम इसको क्या करते हैं? Opium को extract करते हैं, ठीक है? अब क्या है कि ये जो color होता है, it is reddish brown, has strong smell and bitter in bitter taste, ठीक है? It is eaten or smoked. इसको खाया भी जा सकता है और इसको धुएं के form में भी लिया जा सकता है. It can be taken orally in powder form. आप इसको powder के form में orally भी ले सकते हो. और inhale or take in the form of injection. Smoke करने के form में भी इसको ले सकते हैं और injection के form में भी इसको ले कर सकते हैं. इसको opium. Opium जो है वो क्या हो गया? Opium and its derivative like morphine and अगर पीपल एडिक्टेड हो जाते हैं ओपियम, ठीक है, ओपियम पे अगर एडिक्टेड हो जाते हैं तो लॉस ऑफ वेट, उनके वेट में लॉस होने लगेगा, एस्टेरिलिटी आने लगेगा, ठीक है, टोटली लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क, काम से पूरा मन हटने लगेगा. और इसका विड्रॉल सिम्टम क्या है कि इफ ड्रग इज नॉट अवेलेबल एंड ओवरडोज मे स्टॉप रेस्पिरेशन लीड टू डेथ. अगर ड्रग्स अवेलेबल नहीं होगा आप परेशान होने लगोगे, आपको ये सब सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है. लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट अगर आप उसका यूज कर लेते हो ड्रग्स का, तो आप रेस्पिरेशन आपका बंद हो सकता है और लीड टू डेथ, आप मर भी सकते हो, ठीक है. ओपियम पॉपी जो है वो मेडिकल प्रॉपर्टी भी है इसका, एंड यूज्ड एज अ रेडी रेमेडी फॉर कोल्ड ऑफ ब्रोंकाइटिस एंड लूज कंजेशन एंड माइल्ड सेडेटिव फॉर इंसोमिया एंड एनसेक्सटी, मतलब लाइटली पेन वगैरह सब है या बहुत तरह का बात है, वहां पर ओपियम का यूज करते हैं. और ओपियम का डेरिवेटिव है मॉर्फिन एंड कोइडीन, ठीक है. तो मॉर्फिन और कोइडीन जो है वो आर द डेरिवेटिव ऑफ ओपियम, याद रखेंगे. मॉर्फिन एंड कोइडीन वो आर द डेरिवेटिव ऑफ ओपियम. मॉर्फिन जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ओपियम का. ओपियम का मॉर्फिन जो है पेथीडाइन और मेथैनोडाइन के बारे में भी